तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे। और दोस्तों वहाँ पर आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं और सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें MP GK हुआ, मध्य प्रदेश करंट अफेयर हुआ, मध्य प्रदेश की योजनाएं हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, इतिहास हुआ, तो इन सभी की दोस्तों PDF फाइल भी बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको ऑफिशियल न्यूज़ पर। तो आप स्वयं देख सकते हैं NCL में भर्ती निकली है, NCL यानी नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हो जाएगी, और ये कहाँ पर निकली है, सिंगरौली में निकली है, सिंगरौली MP इंडिया में। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इससे पहले मैं आपको पूरी अच्छे से थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन बिगिन सितंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन कितनी है, 24/9/2018 है। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फी कितनी है, 24/9/2018 है। लास्ट डेट रिसीव्ड हार्ड कॉपी 24/10/2018। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अभी बताए नहीं गए हैं। जनरल OBC के लिए दोस्तों 500 रुपीज़ है, SC ST के लिए 0 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, टोटल 839 पोस्ट है। एज लिमिट कितनी, 18 से 30 मानी गई है। कब से, 24/9/2018 से गिनी जाएगी। पहला देखिए दोस्तों ड्रिल ऑपरेटर की, जिसमें टोटल 48 वैकेंसी है, जनरल में 25, 7 OBC में, SC में 7 और 9 ST में। तो ये क्या चाहिए इसके लिए, आपको पास्ड क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आपके पास ओनली 10th पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ड्रैग लाइन ऑपरेटर की, टोटल 60 पोस्ट है। इसमें क्या चाहिए, पास्ड क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद ITI सर्टिफिकेट एंड HMB लाइसेंस, यानी ITI का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और HMB लाइसेंस भी होना चाहिए 10th पास के साथ साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए डंपर ऑपरेटर की टोटल 213 पोस्ट, डोजर ऑपरेटर की 121 पोस्ट, सरफेस माइनर या कंटिन्यूस माइनस की कितनी, टोटल 28 पोस्ट चाहिए। और उसके बाद पे लोडर ऑपरेटर की 21 पोस्ट, क्रेन ऑपरेटर की 34 पोस्ट, ग्रेडर ऑपरेटर की 38 पोस्ट, सोवल ऑपरेटर की 56 पोस्ट। तो इन सभी के लिए क्या चाहिए, आपको 10th का क्लास होनी चाहिए, मतलब 10th क्लास पास होना चाहिए और HMB लाइसेंस इन एनी स्टेट RTO से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं माइनिंग सेल्डर T&S ग्रेड C के लिए, टोटल 58 पोस्ट है। तो इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद सर्टिफिकेट इन गैस टेस्टिंग का होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ओवरमैन की हो जाएगी 137 पोस्ट, सर्वेयर माइनिंग की हो जाएगी टोटल 25 पोस्ट। इसमें चाहिए दोस्तों आपको डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद SCC ग्रांटेड हो जाएगी, और देख सकते हैं आप ये यहाँ पे डायरेक्ट भेज भी सकते हैं, ये आपको पता भी बताया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये पूरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़नी है तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके अच्छे से पूरी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों बताई गई है किस किस के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।